Hi, my name is C.S. Shantanu Mandari. I welcome you all to the chapter number 11, which is called as Corporate Governance Forums. And the subject that we are discussing today is called as a Governance, Risk Management, Compliance and Ethics. ये chapter जो है, obviously नया chapter है, 10th chapter, I suppose 3 parts इसके बने हैं, if I'm not wrong. तो 3 parts उसके हमने बनाए हैं और उसको पूरा extensively अब discuss कर लिया है. And now moving forward, chapter 11 जो है, वो हम आज बात करेंगे. Now, अगर मैं आपसे अब ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारे गवर्नेंस के चैप्टर्स हैं, जो आई सपोज सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाला है इस पूरे सब्जेक्ट में, वो कंप्लीट होता जा रहा है. तो इसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो करते जाइए, देखते जाइए, एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ आपको नीड फील आउट होती है, मैं तो अपने बेसिस पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ही वेयर एवर पॉसिबल, बट अदरवाइज भी आपको लगता है कुछ लिखने का तो आप लिख सकते हैं उसको. और मान लीजिए आप लिखते हैं, यू आर नॉट श्योर कि जो आप नोट्स बना रहे हैं इज दैट द राइट वे या कुछ और होना चाहिए, सो आप मुझे उसका एक फोटो या पिक्चर खींच के भेज सकते हैं, एंड मैं एक बार रिव्यू कर लूंगा एज सुन एज आई गेट द अपॉर्चुनिटी. अब ये नहीं है कि अभी भेजा बस टिक आ गया डबल टिक व्हाट्सएप पे, तो फिर मतलब ये है कि सर आपने रिप्लाई नहीं किया क्वेश्चन मार्क बनाने, ऐसे नहीं. थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज देखना इसलिए पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आंसर उसका दिया जाता है. अगर डाउट है और ऐसा कुछ है जो मुझे भी देखना पड़ेगा, बिकॉज आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि सर ने ये अभी मैंने देखा है तो सर को भी बिल्कुल अभी याद होगा, बट सर क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं या अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है उस समय कुछ और सब्जेक्ट चल रहा हो या कुछ और बात चल रही हो तो नहीं याद है. तो थोड़ा सा आपको पेशेंस मेंटेन करना है, आप जैसे प्रोफेशनल स्टूडेंट से डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. नाउ चैप्टर 11 हमेशा की तरह, इससे पहले हम कुछ भी नहीं बात करेंगे, एक बार जनरल ओवरव्यू इस चैप्टर के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा अभी, और उसके बाद हमेशा की तरह डिटेल ओरिएंटेशन तौर पर स्टार्ट करेंगे. आपके पास इससे पहले मैं कुछ और पूछूं और कहूं या और बताऊं, मैं आपसे ये बोलूंगा कि क्या आपके पास पासपोर्ट है. पासपोर्ट अगर है तो आप निकाल के उसको रख लीजिए. आप कहेंगे सर क्यों, ऐसा क्या होने वाला है, बिकॉज इस चैप्टर में आईसीएसआई, मैं नहीं आईसीएसआई, आपको पूरी दुनिया की काइंड ऑफ मिनी वर्ल्ड टूर आप कह दीजिए तो गलत नहीं होगा, लेके जाने वाला है. मतलब इस चैप्टर में आईसीएसआई की कुछ प्रिंसिपल्स के अलावा आप देखेंगे मेजॉरिटी जो कंटेंट है वो आउटसाइड इंडिया का जो है वो कवरेज दी गई है. सो इसके दौरान आप इंग्लैंड भी पहुंचेंगे, इसके दौरान आप फ्रांस भी पहुंचेंगे, इसके दौरान हो सकता है इटली भी पहुंच जाएं. तो देखिए बहुत सारी चीजें भी घूमनी बाकी हैं, और आप क्योंकि इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट चाहिए चाहिए, तो पासपोर्ट निकाल लीजिए. कई बच्चे बड़ा घबराते हैं, आज भी बात हो रही थी एक स्टूडेंट से, उनका कहना था सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मैं टैक्स है, क्योंकि टैक्स क्या है कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, तो मैनेज कैसे करूँ. तो मैंने उनको ये बोला देखो टैक्स तो मैं नहीं पढ़ाता, बट आप इतना कोशिश करो कि एथिक्स जो है, क्योंकि पूरा थ्योरी है इसमें, कोई प्रैक्टिकल आने नहीं वाला, आज तक नहीं आया और ना ही कुछ कोर्स का कॉन्टेंट है तो आएगा भी नहीं, तो इतने अच्छे तरीके से इसको समझ लो, रटो नहीं समझ लो, तो आई थिंक आपको काफी इजीनेस होगी एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में. और ड्राफ्टिंग, आई सपोज मैं आपके ड्राफ्ट रिव्यू करता हूँ वेर एवर पॉसिबल, तो मुझे लगता नहीं कि उसमें भी आपको दिक्कत होगी, और आई एम श्योर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका होगा, क्योंकि ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्राफ्टिंग की क्लास में जाते हैं, फिर चाहे फेस टू फेस ही क्यों ना जा रहे हो या ऑनलाइन ही क्यों ना कर रहे हो क्लासेस, बट जब वहां से बाहर आते हैं तो कॉन्फिडेंस का लेवल उनका वही रहता है कि वो खुद नहीं लिख पा रहे, सर या मैम करा रहे हैं तो मे बी दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, बट लिखना तो एग्जामिनेशन में खुद है. तो आई सपोज जो लोग मुझसे क्लासेस ले रहे हैं अभी तक उनका इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया होगा कि वो चीजों को समझ पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं, और आई सपोज ये आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा. तो चलिए वापस आ जाते हैं टॉपिक पे, चैप्टर 11 कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम. अब देखिए बात यहाँ पे गवर्नेंस को लेके ही होनी है, क्योंकि गवर्नेंस पार्ट ए भी चल रहा है, तो गवर्नेंस को लेके जब हम बात कर रहे हैं साथ में एक हमने नया वर्ड जोड़ दिया, दैट इज फोरम. फोरम एक तरीके का हिंदी में अगर आप बात करें, एक हिंदी या इंग्लिश ऐसे कह दीजिए, एक स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है, हिंदी में कहते हैं मंच है, तो एक तरीके से एक जरिया है, एक तरीका है अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाने का. मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब हम मिनी वर्ल्ड टूर पे निकलेंगे, बैग बैग तो हमने हमारे पैक हो ही चुके हैं, जब हम निकलेंगे मिनी वर्ल्ड टूर पे, सो वी विल रियलाइज कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप किसी तरीके से भी पढ़ लीजिए, बात हो ही रहेगी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रहेंगे, स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना, यानी इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स जो है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करना, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रहेंगे कि चाहे आप इंडिया में बारे में बात करिए या यूएस के बारे में बात कर लीजिए, विच इज डेवलप कंट्री के बारे में बात करिए, डेवलपिंग कंट्री,
के बारे में बात करिए या अंडर डेवलप्ड कंट्री के बारे में बात करिए, इट विल स्टिल रिमेन द सेम, इसके अंदर कोई चेंज आने नहीं वाला। तो यही अलग अलग वर्ड्स में हम लोग समझेंगे। अब जब मैं इसको और डिटेल में लेके जाऊंगा तो मैं आपको उस समय ये बताऊंगा, अभी क्योंकि बहुत बार, क्योंकि एथिक्स क्या है पूरा थ्योरी, बट दी फ्लिप साइड इज कि इसके अंदर कॉन्टेंट इतना ज्यादा है कि एट टाइम्स रिटेन करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो कॉमन है, और वो हर चैप्टर में भी थी, बताई भी थी बार बार जहां जहां रिक्वायर्ड हुआ। तो अगर आप कभी भूल भी जाते हैं, मान लीजिए एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में, आई एम श्योर आप नहीं भूलेंगे, बट अगर भूल जाते हैं तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट जिस बेसिस पे समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। जितनी भी अभी ये कमेंट्री चल रही है, ये कुछ देखिए पेज पे कुछ लिखा नहीं है, बट बात सारी उसी की हो रही है जो तीन वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम। ध्यान से इसको सुनना है जिससे कि अपने वर्ड्स में आप बना के लिख सकें। अभी क्या है, नॉर्थ इंडिया में जैसे दिल्ली है या ऐसे एरिया में, आई एम श्योर दूसरी जगह भी शायद ऐसे होता होगा, यहाँ पे एक टेंडेंसी होती है बहुत ज्यादा, बीकॉम के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी बात जानते हैं, जो लोग दिल्ली में मेरी क्लास देख रहे हैं वो ये जानते होंगे या इसके आसपास एरियाज में देख रहे हैं, कि एक लाइन अगर उन्हें मिल जाती है कि शीट से, सीएस के पेपर कोई सीएस वाले दूध के दुल्हन नहीं होते, वो भी ऐसे ही करते हैं, तो अगर एक लाइन हमें दूसरे की शीट से दिख जाती है, आप भी शायद ऐसे करते होंगे, तो क्या है एक लाइन देखने के बाद चार लाइनें तो खुद अपनी जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ लेते हो, क्योंकि हमें एग्जेजरेट करना आता है, उसको बढ़ा चढ़ा के लिखना आता है, अपने वर्ड से वर्ड्स ऐड करने आते हैं। यही बात आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, जिसने ये बात फॉलो कर ली वो एथिक्स दूर दूर तक कहीं फेल तो हो ही नहीं सकता, मैं तो ऐसे बोलूंगा 60 से कम उसके नहीं आएंगे, अगर आपने चीजों को समझ लिया, की वर्ड्स पे एक तरीके से ध्यान दिया। तो मैं ये कह रहा था कि पूरी दुनिया भर में हम यहाँ पे जाएंगे इस चैप्टर में, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे आईसीएसआई से, क्योंकि आईसीएसआई एक अपने आप में नॉट बिकॉज ऑफ कि भाई हम सीएस पढ़ रहे हैं, बट आईसीएसआई इज वन ऑफ द प्रीमियर बॉडी इन इंडिया जो कि इस एरिया में काम करता है, बिकॉज अदर बॉडीज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड ऑल दे हैव अ वर्क टू प्रमोट अकाउंटेंसी फ्रेमवर्क और यू कैन से द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, बट द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैज अ फ्रेमवर्क इन विच The governance has to be encouraged. अभी हम नीचे पढ़ेंगे, ICSI का मिशन भी है, ICSI का विजन भी है। बहुत बार ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर मिशन और विजन, ठीक है ये दो चीजें हैं और कंपनीज अपने अपने तौर पे लिखती हैं, बट ये होता क्या है, क्या चीज पहले आती है, यानी कौन सी चीज पहले अचीव होती है और कौन सी चीज बाद में अचीव होती है, तो इसका आंसर भी मैं आपको दूंगा जैसे हम नीचे जाएंगे। बट अभी इन शॉर्ट अगर बताऊं तो ऐसे कह दूं कि मिशन जो एक ऐसी चीज है जो पहले अचीव होगा जब आपका एंड रिजल्ट अचीव होगा, दैट इज विजन। विजन मतलब बहुत दूर की सोच, और ऐसे कह दीजिए तो गलत नहीं होगा कि अगर आपके मल्टीपल मिशन अकम्प्लिश हो जाते हैं तो आपका विजन जो है वो अकम्प्लिश हो सकता है। आपने कभी वीडियो गेम वगैरह खेला है या कंप्यूटर पे या एक तरीके से मोबाइल पे कभी शायद गेम्स खेले हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग मिशंस होते हैं, जैसे जैसे मिशंस, मिशन मतलब स्टेजेस 1, 2, 3, 4, जैसे जैसे आप ये मिशन पास करते रहते हैं आप गेम के एंड की तरफ बढ़ते रहते हैं, ऐसे यहाँ पे भी है। मिशन इज समथिंग जो कि इनिशियली हमें चाहिए, अचीव करना है हमें, और लेटर ऑन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वी विल गेट क्लोज टू आवर विजन। विजन इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जिसके लिए ये कंपनी पूरी की पूरी चल रही है। जैसे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे कि सिर्फ इंडिया में आईसीएसआई नहीं है, और ऐसे बहुत सारे फोरम्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सपोर्ट से चल रहे हैं, या ऐसे कह दीजिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के तौर पे चल रहे हैं, और जैसे और आगे बढ़ेंगे तो विल रियलाइज कि सिर्फ इंडिया में नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड अलग अलग तौर पर अवेयरनेस हो रही है। मैंने कुछ देर पहले बताया भी कि इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फोरम्स बनाए गए हैं, बट सभी का ऑब्जेक्टिव कोई अलग अलग नहीं है, सभी का ऑब्जेक्टिव अलग अलग वर्ड्स में जरूर लिखा जा सकता है। अब देखिए लैंग्वेज थ्रू आउट द वर्ल्ड बदल सकती है, पर अच्छा को हिंदी में आपने कह दिया चीज अच्छी है या अच्छा है, आप इंग्लिश में कह रहे हैं गुड है, किसी और लैंग्वेज में आप कुछ और उसको कह सकते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि वधिया है, वधिया है मतलब अच्छा है, ठीक है, जितना मैं समझता हूँ। तो आप देखिए वर्ड का लैंग्वेज जो है वो बदल रही है, बट जो उसका इंटेंसिटी है वो तो नहीं बदल रही। तो यहाँ पे भी यही है, हर जगह ट्रांसपेरेंसी, हर जगह ऑनेस्टी, हर जगह अकाउंटेबिलिटी, हर जगह लोगों का ध्यान रखना, स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना, हर जगह सोसाइटी को ऊपर रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो यहाँ बताए गए हैं। पर जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई फोरम चलाया जाएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाएगा, कोई इंस्टीट्यूट चलाया जाएगा, इट इज नॉट द मशीन गेम, ये मशीन अपने आप नहीं कर सकती, ठीक है कि आज सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो हमारी एक एक्सटेंट तक हेल्प कर सकते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, बट इन द एंड ऑफ द डे प्रोग्राम, पॉलिसी, प्रोसीजर, स्ट्रैटेजी, इसके लिए हमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होगी ही होगी।
तो यहाँ पे ये भी बात करी गई है कि जितने भी ये स्ट्रक्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट करते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट करते हैं, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे आप कंपनी के तौर पे बात करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, फिर वो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होता है, फिर मिडिल लेवल जो आता है उसमें मैनेजर्स वगैरह आते हैं, जो लोअर लेवल है वहां पे वो लोग आते हैं जो एक तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, या एक तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करवाते नहीं है, करते हैं। तो बोर्ड पॉलिसी बनाता है, मिडिल लेवल जो है वो इम्प्लीमेंट करवाता है, और जो लोअर लेवल है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाता है। सो ये अलग अलग स्टेजेस हैं, ऐसे ही फोरम्स के अंदर भी अलग अलग काउंसिल्स बनाई गई हैं। फिर ये सवाल उठेगा उसी के अंदर कि अगर काउंसिल बनाई गई है, फोरम बनाया गया है, तो इसके मेंबर्स कौन हो सकते हैं, और उसके मेंबर्स में वही वाली बात जो आप शायद कभी पहले भी पढ़ चुके होंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट जो है वो बहुत सारी कमिटीज के मेंबर बाय डिफॉल्ट मान लिए जाते हैं, और इससे मैटर नहीं करता क्योंकि प्रेसिडेंट एंड ऑल दिस कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर एवरी इंस्टीट्यूट, चाहे ICAI हो, चाहे ICSI हो, फिर चाहे CWA या CMA हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर भी बताया गया कि किस तरीके से वो सब चीजें डेवलप्ड होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बट इन द एंड ऑफ द डे जो सभी का फोकस है करने का वो ये कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करना। तो ये एक लॉन्ग एंड शॉर्ट इसके बारे में बात थी, 10 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया। आइए हम इंट्रोडक्टरी तौर पे इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, पर यहाँ पे बहुत छोटी 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 काफी सारी कमिटीज दी हुई हैं, तो वो हमें देखनी होगी बिकॉज वी रियली डोंट नो एग्जामिनेशन में क्या आएगा। तो मैं एक तरीके से आपको इस तरीके से तैयार करना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से आपको कोई मेहनत ना लगे, यहाँ पे आप एटलीस्ट एक बार सुन तो लें, बिकॉज फिर सुनना आसान है रादर देन पढ़ना फिर माइंड में इंटरप्रेट करना। तो मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा, सिंपल सी बात है, और अगर दिक्कत आए तो लिखते जाइएगा, नोट्स अपने बनाते जाइएगा, एग्जामिनेशन में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पे बात करेंगे, एंड इट सेज द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इफेक्टिंग द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनी बट ऑल्सो क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन्स इम्पॉर्टेंट, बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द नेशनल गवर्नेंस, ह्यूमन गवर्नेंस, सोसाइटी गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस, पॉलिटिकल गवर्नेंस, सिंस एक्टिविटी ऑफ कॉर्पोरेट हैव एन इम्पैक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए मतलब ये एक एक सर्कल है, जैसे कि मैं पहले भी आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने अच्छा कभी इससे पहले मैं यहाँ पे बारे में बात करूँ, कभी आपने सुना है रिसेशन आ जाता है, कहते हैं कि लोग भाई हिंदी में कहते हैं मंदी हो रही है, विच इज लाइक जो पैसे हैं इकोनॉमी में वो नहीं है, या ऐसे कहते हैं जब सामान बेचना चाहते हैं सस्ता बेचना चाहते हैं और मे बी ये हो सकता है विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्ज के बेचना चाहते हैं, बट खरीदने वाले नहीं है, वो इसलिए नहीं क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अब सवाल उठता है कि देखिए एक से दूसरी चीज कैसे इफेक्ट हो रही है। अब अगर ऑनलाइन चीजें आज बढ़ रही हैं तो क्या हो रहा है कि जो ऑफलाइन है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। जब ऑनलाइन चीजें नहीं थी तो ऑफलाइन बहुत ज्यादा एक तरीके से कारोबार या बिजनेस हुआ करता था, अभी ऑनलाइन आ चुकी तो चीजें डिवाइड हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी चीज अगर ऑनलाइन आ गई तो ऑफलाइन की जो चीजें थी जो पहले चलती थी वो अब बंद हो गई है, ऐसा नहीं है, बट फर्क तो डेफिनेटली पड़ता ही है। ऐसे ही कॉर्पोरेट भी है। अब अगर आप ऐसे देखिए कि अगर इंडिया लाइक एज एन एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया की एक ऐसी इमेज है लाइक इन टर्म्स ऑफ द एशियन कंट्रीज लाइक डेवलपिंग कंट्रीज, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि इंडिया की अगर ऐसी इमेज बन गई है वर्ल्ड में कि इंडिया जो है वहाँ पे कंप्लायंस या रूल्स प्रोसीजर लॉज लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क वो एक तरीके से कंपनी फ्रेंडली है, विच इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी फ्रेंडली है तो आपने ये कह दिया कि वो यहाँ पे चोरी करना सिखाते हैं या टैक्स कलेक्ट नहीं करते, यहाँ पे ब्राइबरी ऐसे नहीं, मतलब ये कि इजी लॉज है, मतलब जो लॉज है वो इतने टिपिकल नहीं है, अगर आप वहां पे काम करना चाहेंगे तो इजीली अपना काम कर सकते हैं। जो 100 रेगुलेटरी अप्रूवल्स अलग अलग कंट्रीज में लेने पड़ते हैं वो इंडिया में 100 नहीं लेने पड़ते, एज एन एग्जाम्पल 10-15 अप्रूवल लेके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी बात जो है जब लोगों को जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको थ्रू आउट द वर्ल्ड पता चलेगी तो आप बताइए वो इंडिया में आएंगे काम करने या नहीं आएंगे। अगर आपका जवाब है कि वो आएंगे इंडिया में काम करने तो जब इंडिया में वो काम करने आएंगे तो आएंगे तो शायद अकेले अपने पैसे लेके अपनी टीम को लेके, बट यहाँ पे कोई ना कोई जमीन खरीदेंगे, हो सकता है रेंट पे लें लीज पे लें, कुछ ना कुछ तो होगा, तो जिससे वो खरीदेंगे उसको कहीं ना कहीं कुछ फायदा होगा। अब जब वो यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से लैंड खरीद ली तो ऑफिस प्लांट मशीनरी एंड ऑल दैट वो लेंगे तो वो भी इंडिया के किसी बंदे से लेंगे, किसी शॉप से किसी शोरूम से, तो उसको फायदा होगा। अब जब वो यहाँ पे सब ये कुछ खरीद चुके हैं तो 2-4-5-10 लोग तो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, वो तो अपनी कंट्री चले जाएंगे जो ओनर्स हैं या जो उनकी टीम है, तो
उनको क्या चाहिए होगा, कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा जो यहाँ पे संभाल सके सब चीजों को, तो यहाँ पे स्टाफ हायर करेंगे। अब जब वो स्टाफ हायर करेंगे तो ऑब्वियसली उनको सैलरी देंगे। तो एक तरीके से देखिए कैसे एक बार जो कंट्री स्पेसिफिक थी वो कैसे इंडिविजुअलिस्टिक स्पेसिफिक बन गई, क्योंकि अगर कंट्री की रेपुटेशन अच्छी है तो देखिए धीरे धीरे करते 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 सोसाइटी पे इसका इफेक्ट आ गया। सोसाइटी पे इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आ गया, क्योंकि आपने ये कह दिया कि कंट्री की इमेज अच्छी है तो उससे सोसाइटी को फर्क पड़ेगा। और यही चीज उल्टी भी चलती है, अगर जो कंट्री है उसकी इमेज खराब है तो क्या होगा, जो ऑलरेडी कंपनीज इंडिया में काम कर रही है वो क्या करेंगी, इंडिया से बाहर जाना शुरू करेंगी। अब वही सब उल्टा होगा, जब इंडिया से बाहर जा रही है तो अपना सामान यहाँ से बेच देंगी, बिजनेस बंद कर देंगी, तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट को जो भी टैक्स मिलता था वो भी लॉस ऑफ रेवेन्यू एक तरीके से होगा। तो हर जो हम चीज करते हैं इन टर्म्स ऑफ द कंपनी, इन टर्म्स ऑफ द कंट्री, उसका इफेक्ट एक या दो लोगों पे नहीं होता, बहुत सारे लोगों पे होता है। इवन बता पाना भी मुश्किल हो जाता है टाइम्स कि उसका इफेक्ट क्या क्या और किस किस पे आएगा। और अगर गवर्नेंस अच्छी होगी तो आई सपोज सब पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, फिर चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे फिर वो इम्प्लॉयज हो, चाहे फिर वो एक तरीके से पॉलिटिकल बात हो, हर जगह ये इफेक्ट जो होगा पॉजिटिव होगा अगर आप गवर्नेंस को फॉलो करते हैं। अब सवाल अगर किसी का ये होता है कि सर गवर्नेंस क्या है, तो मुझे लगता है कि पहले के जो 10 चैप्टर है वहां पे हमने गवर्नेंस ही बात करी है। बट सिंपल वर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, प्रोसीजर, कंप्लायंस, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, इनमें से कुछ भी कह दो, या हो सकता है कोई और भी नाम हो, इनमें से कुछ भी कह दो, उनको सही तरीके से रिक्वायर्ड समय के अंदर फॉलो करना, फुलफिल कराना इज गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट, देखिए आगे ना, ट्रांसपेरेंसी, रेजिंग द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेक होल्डर इन वे द कंपनी इज रन। इट इज अबाउट ओनर्स एंड द मैनेजर्स ऑपरेटिंग एज अ ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ एवरी शेयर होल्डर, लार्ज और स्मॉल। तो बहुत बार पहले भी बात उठ चुकी है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स को वैल्यू नहीं दी जाती, क्यों, क्योंकि वही वाली बात जो कहानी पहले समझा चुका हूँ कि भाई बहुत कम पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा क्या होगा, पैसे लेके चला जाएगा, यही होगा ना, तो कंपनी को तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। ये कुछ वैसा ही है, SBI बैंक कभी गए हो क्या, SBI, PNB या इस तरीके के बैंक गए हो क्या, सरकारी बैंक कभी, तो चले जाना अगर नहीं गए हो, और गए हो तो आप अग्री करोगे शायद मेरे से, बिकॉज सबका एक्सपीरियंस, सबका माइंड सेट, सबका एटीट्यूड अलग अलग होता है। तो क्या है कि अगर आप जाओगे वहां पे कुछ पैसे और कुछ जमा कराने या विड्रॉ करने या अकाउंट ओपन करने और कोई इश्यू आ जाता है तो हो सकता है वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि आजकल क्या है जब आप बैंक में एंटर करते हैं, अगर आपने देखा हो, बिकॉज ये भी गवर्नेंस का ही पार्ट है, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो या मे बी आपकी नजर पड़ गई हो तो आपने देखा होगा एक बोर्ड सा लगा रहता है कि अकाउंट खोलने में हमें 15 मिनट लगेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर चेक जमा करने में 2 मिनट लगेंगे, विड्रॉल करने में 5 मिनट आपको लग सकते हैं, डिपॉजिट करने में 5 मिनट लग सकते हैं। मतलब बैंक ने अपना एक स्टैंडर्ड चार्ट बना दिया। ये स्टैंडर्ड चार्ट तब काम करेगा जब सर्वर्स और ये बाकी सब चीजें जो जनरली खराब हो जाती हैं वो सब सही रहेंगी, तो बैंकिंग का मतलब ये इतने समय के अंदर आपका काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात करी गई है कि जब तक लार्ज और स्मॉल शेयर होल्डर्स जो हैं उनको इक्वालिटी नहीं दी जाएगी, सबको बराबरी नहीं दी जाएगी, और जो लोग हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस का माहौल नहीं लाया जाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। गवर्नमेंट कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, करोड़ों रुपए लगा दे इन सब चीजों को करने में, बट जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आज भी बहुत सारे लोग आप जानते होंगे, शायद आप भी उनमें से एक होंगे या आपके घर में हो सकता है कोई एक हो, आज भी बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन आने से डरते हैं। ऑनलाइन आने से डरते हैं मतलब कि अमेजोन से सामान खरीदना है, फलाना से खरीदना है, नहीं खरीदते है ना। या और आप देखिए फिर कैसे मार्केट ने कैसे रिस्पॉन्स किया, आपने कभी देखी है बार कि अगर आप देखें तो आप आजकल एक ऑप्शन और आने लगा है कि ठीक है ऑनलाइन आपको नहीं कार्ड यूज करना है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं यूज करनी, कोई बात नहीं, कैश ऑन डिलीवरी कर लो, उससे तो आपको कोई डिटेल्स ही नहीं डालने हैं, जब वो घर पे आए तब आप पैसे दे सकते हो। तो एक तरीके से ये क्या करा जा रहा है, धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है कि देखो कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ सही है, और यही चीजें आगे जाके एक तरीके से लोगों को प्रमोट करती हैं, या ऐसे कह दीजिए कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप करती है कि वो जल्दी या ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑनलाइन अपना बिजनेस लेके आए एक एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें कि हाँ ये प्लेटफॉर्म सही है, इसके इस तरीके से ये यूज हो सकते हैं। बट वो सिर्फ तभी होगा जब कंपनी अपने प्रिंसिपल्स पे बनी रहेगी। ऑनलाइन फ्रॉड हुआ या कहीं कैसे भी फ्रॉड हुआ तो ऑब्वियसली फिर कॉन्फिडेंस तो खराब हो गई। ICSI के तौर पर यहाँ पे कुछ बात करी गई है, जो सबसे पहला पॉइंट है ICSI, विजन एंड मिशन। अब आप देखिए कुछ देर पहले मैं बात आपसे कर रहा था कि विजन क्या होता है और मिशन क्या होता है, तो मैंने आपको उसी समय समझा दिया था, बट कहा था नीचे बात आएगी तब भी बता दूंगा। तो मिशन और कुछ नहीं है, मिशन इज जस्ट लाइक मैं आपको ऐसे समझा दूं कि एक गेम, आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, उसके अंदर 10 स्टेजेस हैं, ठीक है, उसके अंदर 10 स्टेजेस हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 स्टेजेस हैं।
अब ये जो है ये सारी के सारी स्टेजेस आपके मिशंस है, और जब आप इस पे पहुंच जाएंगे, ये कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका विजन जो है वो पूरा हो गया। तो मिशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट कि कहाँ हमें जाना है, कैसे करना है, और एक एक करके हमारे मिशन जो है वो बदल सकते हैं, और मिशन जब सारे खत्म हो जाएंगे तो हमारा विजन अचीव हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में विजन एक आखिरी स्टेप है जो हम एक तरीके से करना चाहते हैं, और मिशन वो है जो प्रिलिमिनरी या पहले हमें अचीव करने पड़ेंगे इससे पहले हम अपने विजन पे पहुंचे। तो मिशन जो है वो एक स्टार्टिंग परस्पेक्टिव है, जैसे जैसे मिशन हमारे पूरे होते जाएंगे उतना हम ज्यादा क्लोज आते जाएंगे अपने विजन के। अब यहाँ पे हो सकता है सवाल उठे कि सर क्या ये इतना आसान है? नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं। जब जब कंपनी अपने मिशंस रखती है तो मिशन वो नहीं रखे जाते कि जो कल ही अचीव हो जाए, यानी टुमारो अचीव हो जाए, ऐसे आपके मिशंस नहीं होते। मिशंस भी वो मिशंस होते हैं जो आने वाले 10 से 15 साल में अचीव होंगे, जबकि विजन वो चीज होती है जो आने वाले 30 साल में अचीव होगी। आप समझ रहे हो मेरा डिफरेंस? अगर आपका मिशन 10 साल में अकम्प्लिश हो रहा है तो विजन 30 साल में होगा। इतना फर्क होता है मिशन के अंदर और विजन के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे आपके मिशन अचीव होते जाते हैं यू गेट क्लोजर, जैसे कि मैंने कहा यू गेट क्लोजर टू योर विजन। आईसीएसआई का विजन देखिए क्या है, टू बी अ ग्लोबल। अब क्या लिख दिया? ग्लोबल। आप मुझे बताइए क्या ग्लोबल कोई भी चीज कर पाना आसान है क्या? आज आप भी जानते हैं, आप भी शायद इस चीज से परेशान होंगे। ग्लोबल तो छोड़िए, अगर हम इंडिजीनियस लोकल कम्युनिटी के तौर पे बात करें, आप बहुत बार कहते हैं कि मैं सीएस कर रहा हूँ या सीएस कर रही हूँ अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को, या जैसे जिससे मिलते हैं, तो बहुत बार वो क्या बोलता है? कंप्यूटर साइंस। तो इसका मतलब क्या है? ग्लोबल तो बहुत दूर है। पहले हमारा क्या है? ये विजन है। पहले मिशन क्या होना चाहिए कि पहले इंडिया में लोकली, रीजनली, स्टेट वाइज, नेशनल, पहले ये बताएं कि सीएस के अलग अलग मतलब है। और जिस सीएस की हम बात कर रहे हैं वो लॉ से रिलेटेड सीएस है, और उसका मतलब कंपनी सेक्रेटरी है। फ्री तो ग्लोबल जाओगे? ग्लोबल बताओ आसान है क्या? अभी क्या कंट्री में अवेयरनेस इतनी नहीं है, तो ग्लोबली कहाँ, 200 से प्लस कंट्रीज है, कहाँ से इतनी जल्दी अवेयरनेस कर दोगे? तो इसी से आइडिया लगा लो कितने सालों की बात यहाँ पे करी जा रही है, और इसके अंदर कितना समय लगेगा, और बहुत एक तरीके से मेहनत या अवेयरनेस लेके आने की जरूरत है। तो कोई भी चीज जिसके लिए हमें काफी एफर्ट्स लगाने हैं तब वो जाके हमें मिलने वाली है, और काफी दूर है इन टर्म्स ऑफ द ईयर्स, इज कॉल्ड एज विजन। तो ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मिशन क्या है? टू डेवलप हाई कैलिबर। अब ये तो आप कर ही सकते हैं ना। मिशन क्या है? स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग अगर हम ये चाहते हैं मिशन के बेसिस पे कि दुनिया भर में सब जो लोग हैं वो कंपनी सेक्रेटरी को इस नजरिए से पहचाने कि कंपनी सेक्रेटरी वो इंडिविजुअल है, कंपनी सेक्रेटरी वो इंसान है जो कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने में हमारी हेल्प करेगा, कंपनी सेक्रेटरी वो इंसान है। तो मिशन क्या होगा कि इस तरीके का कोर्स, इस तरीके का कैरिकुलम, इस तरीके के सब्जेक्ट्स, इस तरीके की फैसिलिटी दी जाए कि कंपनी सेक्रेटरी पहले उन लाइक तो बन सके, तभी तो दूसरे उसके बारे में बात करेंगे। अब वो पढ़ कुछ और रहा है, जैसे आप देखिए कि ओवर द टाइम पीरियड, अभी जो आप ये पढ़ रहे हैं दिस इज न्यू सिलेबस, ओवर द टाइम पीरियड क्या है कि चीजें जो है वो बदलती जा रही है। आप देखिए हर समय में जो इंस्टीट्यूट का कोर्स है रेगुलर इंटरवल्स में रिवाइज किया जाता है। क्यों रिवाइज किया जाता है? जिससे कि आपको अपडेटेड कंटेंट पढ़ाया जाए। स्टूडेंट गुस्सा हो जाता है, कहता है कि भाई ये क्या फायदा है इतने इसको पढ़ने का, मैं इसका क्या करूंगा। ठीक है, हो सकता है आपके इंटरव्यू के दौरान आपको इन सब चीजों के बारे में कोई जरूरत ना पड़े इंटरव्यू के दौरान, बट आगे तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो यहाँ पे आप सीख चुके हैं, जानते भी थे, बट अभी वो चीजें पॉलिश हो चुकी हैं, वो सीख चुके हैं, थोड़ा और बेटर हो चुका है। तो यहाँ पे मिशन जो है वो क्या है? टू डेवलप हाई कैलिबर। कैलिबर मतलब वो लोग, या कैलिबर का मतलब अपने आप में वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब हिम्मत, हिम्मत का मतलब जानते हो। प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो क्या करना है मिशन में? क्या है कि हमें ऐसे लोगों को एक तरीके से डेवलप करना है जिनके अंदर एक आप ऐसे कह सकते हैं पावर हो, एक तरीके से पैशन हो कि वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एनकरेज करना चाहे। ये हमारा फिलहाल का ऑब्जेक्टिव है, और जब ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो फिर यही लोग जो आज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अपने अंदर देख पा रहे हैं, यही लोग दुनिया भर के अलग अलग कोने में जाएंगे, जैसे कि आप अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद, और वहां जाके जब कोई आपसे पूछेगा कि भाई तुमने कहां से कंपनी सेक्रेटरी करी, तो आप क्या बोलोगे? इंडिया। तो हो गया ना इंडिया का नाम। आईसीएसआई फिलोसफी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ इस चैप्टर के अंदर, ना ही सिर्फ आप ये सीखेंगे जो बात हम जनरली अभी कर रहे हैं, बट आप ये भी सीखेंगे। बहुत बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि आईसीएसआई या सीएस का आउटसाइड इंडिया कितना स्कोप है, और एक्चुअली है भी या नहीं है, वहां का क्या पैटर्न है।
तो यहाँ पे ऐसा कोई डिटेल क्वालिफिकेशन के तौर पे तो नहीं है, बट आपको एक एक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि सिर्फ सीएस इंडिया में ही रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज है इंक्लूडिंग यूके, यूएस, इन दो का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू जनरली गो देयर, डेवलप कंट्रीज है, सब कुछ अच्छा है, तो वहां पे भी आप जैसे लोगों की, मेरे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है। ICSI philosophy क्या है? The application of best management practices, compliance of law. इन ये क्या होता है? Compliance of law in letter and spirit. अभी बात करते हैं इसके बारे में. And adherence to, adherence मतलब follow करना, उस पे stick रहना, to ethical standards for effective management. So देखिए, ICSI की एक mission और vision तो अलग चीज होगी. उनकी philosophy क्या है? बहुत बार psychology के बारे में बात करते हैं. वो ये है, जो एक mental attitude है, mental nature है, वो ये है कि कैसे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हर दिन बात हो रही है, वो सिर्फ बात ना हो, वो सिर्फ लेटर यानी सिर्फ बातचीत ना हो, लिखा ना जाए, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। लेटर इन स्पिरिट मतलब क्या है कि एक बार होता है ना, ये बातें बोलने की कुछ और होती हैं, करने की कुछ और होती हैं, वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैसे नहीं करना, हमें जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिख के दे रहे हैं, वही करना है। कंपनी कह तो रही है कि हम CSR में पैसा खर्च कर रहे हैं या हम CSR में पैसा खर्च करना चाहते हैं, बट फिर सवाल ये उठता है कि उनको रोक कौन रहा है, वो क्यों नहीं कर रहे खर्च, क्या ऐसी दिक्कत आ रही है, क्या वो समझ नहीं पा रहे, मतलब दो अलग अलग बातें नहीं चल सकती, जो आप कहते हैं वो आपको करके दिखाना होगा। ICSI का यही एक तरीके से फिलॉसफी है कि बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, और बेस्ट का मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का दूसरा मतलब है यहाँ पे कमिटमेंट, जो आप कहें वो आप करें, तो उन कमिटमेंट को कैसे प्रमोट करना है, या ऐसे कह दीजिए कैसे उन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ जो है वो चलते रहना है आगे, ये सब चीजें यहाँ पे ICSI प्रमोट करें। ICSI के कुछ इनिशिएटिव हैं, वो आपने शायद सुने भी होंगे, पढ़ भी लेते हैं आइए। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा है ICSI सेट अप ICSI सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका नाम शायद सुना भी होगा, CCGRT, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग मतलब एनकरेज करना, बढ़ावा देना, इंक्रीज करना, नेचरिंग मतलब उन चीज को ग्रो करवाना, तो लिखते रहो जैसे हिंदी इंग्लिश जो आपको सही लगे, फॉस्टरिंग मीन्स उन चीजों को बढ़ावा देना, इंक्रीज, नेचरिंग मतलब उन चीजों को ग्रोथ कराना, ऐसे लिखते रहो ना, थकते क्यों हो इसमें, लिखते रहो थोड़ा बहुत। रिसर्च इनिशिएटिव अमंग द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सेक्रेटरी प्रोफेशनल अदर रिसर्च, तो देखिए पहले ये पढ़ता हूँ फिर इससे रिलेटेड कुछ बात भी आपसे बताऊंगा। तो यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि जो ICSI है, जब बात यहाँ पे ये हो रही है कि अलग अलग फोरम जो है दुनिया भर में, फिलहाल इंडिया की बात हो रही है बट आगे वर्ल्ड की भी होगी इसी चैप्टर में, वो किस तरीके से और क्या क्या चीजें मतलब कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में टू मेक श्योर कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ सके। तो ICSI का ये कहना है, क्योंकि ICSI की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले है, क्योंकि वो तो भाई कंप्लायंस का एक तरीके से एक मात्र, जैसे कह दीजिए द ओनली वन एंड द ओनली इंस्टीट्यूट है जो एग्जिस्ट करता है एक तरीके से विद रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा, तो उनका कहना है कि हमने एक तरीके से एक सेंटर सेटअप किया है जिसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जहाँ पे अलग अलग चीजों को लेके रिसर्च किया जाता है और अलग अलग जो मेंबर्स हैं, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हैं या अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, बट रिसर्च करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। रिसर्च मतलब यहाँ पे कोई वो एक्सपेरिमेंट वाला रिसर्च नहीं हो रहा, लेबोरेटरी वाला रिसर्च नहीं हो रहा कि दो केमिकल्स मिला दिए जाए। रिसर्च का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर सत्यम जैसे फ्रॉड हुआ, किंगफिशर का फ्रॉड हुआ, सहारा का फ्रॉड हुआ, तो ये एक्चुअली बात स्टार्ट कहाँ से हुई, गलती किसकी है, क्या ऑडिटर की ज्यादा गलती, क्योंकि गलती तो सभी की है फॉर श्योर, बट किसकी ज्यादा गलती है, कैसे इसको रोका जा सकता था, आगे अगर ऐसी चीजें हो तो इन्वेस्टर्स क्या चीजें वो ध्यान में सोचे या ध्यान में एक तरीके से रखे अगर वो ऐसा कुछ करना चाहता है। तो ये सारी की सारी बातें एक तरीके से रिसर्च के तौर पे देखी जाती है। आप देखते हैं ICSI का एक हम श्योर आपको पता होगा चार्टेड सेक्रेटरी आती है, थोड़ी सी शायद 100 पेजेस के आसपास की बुक होती है, इसमें अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं, कभी वैल्यूएशन के बारे में बात होती है, कभी रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात होती है, कभी ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बात होती है, तो ये सब रिसर्च करके तो लिखा जाता है, ऐसे थोड़े बस लिखना स्टार्ट कर दिया तो लिखते रहे, कुछ ना कुछ रिसर्च करना पड़ता है, बिकॉज आप एक नोट पब्लिश कर रहे हैं, ये हजारों लाखों लोग पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे ही वो रिसर्च करने से पहले ये एक तरीके की एक सेंटर है जहाँ पे ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। फिर लिखा है फोकस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन द कोर्स कैरिकुलम, ये तो अब आप जानते हैं, लिखा है वन फुल पेपर जिसने आपकी जान खा रखी है, वन फुल पेपर ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टाइटल गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस एथिक्स फॉर्म पार्ट ऑफ द सिलेबस इन प्रोफेशनल प्रोग्राम। इससे ज्यादा और ICSI अपनी सीरियसनेस क्या दिखाए कि एक तरीके से प्रोफेशनल के अंदर जो कि सबसे एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, इवन कोर्स अमेंड हो जाने के बाद भी, ओल्ड सिलेबस के बाद न्यू सिलेबस आ जाने के बाद भी इस पेपर को ऐसे का ऐसे ही रखा गया है।
हाँ ये ठीक है कि समय और नीड के बेसिस पे कंटेंट जो है वो इम्प्रोवाइज किया गया है, उसको चेंज किया गया, बट सीरियसनेस इसी बात से दिखती है कि इसको अभी भी रखा गया है, क्योंकि आईसीएसआई का ऑब्जेक्टिव है कि उसके मेंबर्स इसको पढ़ सके और समझ सके। पीएमक्यू, पीएमक्यू होता है पोस्ट मेंबर क्वालिफिकेशन। अभी क्या है कि सीएस जब आप बन जाते हैं तो आपकी जो पढ़ाई है वो फॉर्मली खत्म हो जाती है कि अब आप ठीक है आगे बढ़े, जॉब करें, ट्रेनिंग वगैरह जैसे आपको सूटेबल लगता है या प्रैक्टिस या जैसे भी है। बट अगर अपना आप कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, पीएमक्यू कोर्सेज कर सकते हैं। पीएमक्यू कोर्सेज सिर्फ यहाँ तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात हो रही है तो उन्होंने उसी के बारे में बताया है, बट जीएसटी से लेके बैंकरप्सी से लेके इंसॉल्वेंसी से लेके बहुत सारे एरियाज में पीएमक्यू कोर्सेज होते हैं, बट नाम है पोस्ट मेंबरशिप, यानी पहले आपको सीएस क्लियर करना पड़ेगा। तो लिखा है आईसीएसआई हैज लॉन्च्ड अ पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन कोर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू एनेबल मेंबर्स गेन एक्रीमेंट मतलब एक्सपर्ट इनसाइट एंड थॉटफुल या थॉट एक्सपर्टाइज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और आईसीएसआई का एक और इनिशिएटिव जो उसकी एक सोच को दिखाता है कि वो कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहता है, वो है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। कहने के लिए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड भी काफी सारे आईसीएसआई ने बना, काफी सारे मतलब 150 नहीं बनाए पर डेफिनेटली 8 से 10 के आसपास के सेक्रेटेरियल जो स्टैंडर्ड्स हैं जो एक तरीके से पूरे एप्लीकेबल नहीं है। आज जिन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं और आई सपोज ड्राफ्टिंग में हमने 10 घंटे इसको अलग अलग ड्राफ्ट करके, मैंने पहले भी आपसे बताया, लिख के दिखाया समझाया, दैट वॉज SS1 एंड SS2, बिकॉज यहाँ पे नोटिस जाएगा या मिनट्स बनेंगे, एजेंडा जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी। SS1 स्टैंड्स फॉर द बोर्ड मीटिंग व्हाइल SS2 स्टैंड्स फॉर द AGM। तो किस तरीके से इन इन दोनों स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप मिनट्स बनाएंगे, एजेंडा बनाएंगे, नोटिस बनाएंगे, या SSI की एक एक तरीके से ऐसे कह दीजिए सीरीज ऑफ अवेयरनेस है और अपना एक तरीके से ISSI प्रस्पेक्टिव रख रहा है दुनिया भर के सामने की देखिए हम तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एरिया में प्रमोशन का काम कर रहे हैं जितना हो पा रहा है, चाहे स्टूडेंट्स को पढ़ाने की बात हो, चाहे वर्ल्ड को अवेयर करने की बात हो, चाहे इंडिया में कंपनीज के एक तरीके से जो लेवल है उसको अपग्रेड करने की बात हो इन टर्म्स ऑफ द कंप्लायंस, हम सब कुछ कर रहे हैं और उसी का एग्जाम्पल ये। सो लिखा ICSI इशूड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड टू इंटीग्रेट हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज डाइवर्स, मतलब बहुत अलग अलग, क्योंकि अभी तक क्या था कि सब लोग अपने अपने हिसाब से मिनट्स बनाते थे, सब लोग अपने अपने हिसाब से एजेंडा नोट्स बनाते थे, बट अभी ये आने के बाद SS1 SS2 यूनिफॉर्मिटी जो है वो बड़ी कॉमन हो गई है। प्रिवेलिंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर टू सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड SS1 एंड SS1 क्या है बोर्ड मीटिंग का, SS2 जो है वो जनरल मीटिंग का, हैव बीन नोटिफाइड और ये एप्लीकेबल है, आप इसके बारे में पढ़ते हुए। फर्दर ICSI ने और क्या इनिशिएटिव लिया, डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, रिकॉग्नाइज एंड लीडरशिप डेवलपमेंट इन द बोर्ड रूम इज अ की ड्राइवर टू बेटर गवर्नेंस, द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज डायरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आई थिंक ये सारे के सारे इनिशिएटिव है, पढ़ तो मैं दूंगा बट इन द एंड ऑफ द डे अगर मुझे समझाना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप देखिए इसी पॉइंट के ऊपर कि अगर हमें गवर्नेंस को एनकरेज करना है तो ये कोई लोअर लेवल वाले एम्प्लॉय के बस की बात नहीं है, ना ही मिडिल लेवल वाले एम्प्लॉय के बस की बात है, ये अगर कोई कर सकता है एक्चुअली तो टॉप मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं वो कर सकते हैं, और उनके लिए उनको ट्रेन करना सिखाना, क्योंकि एट टाइम्स हम कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं बट बहुत बार हम कुछ भी नहीं जानते हैं, जो मेरे हिसाब से जो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है उसे कुछ नहीं पता है शायद। तो यहाँ पे यही बात करी गई कि कैसे डायरेक्टर्स जो है जो एक तरीके से कंपनी को ड्राइव करेंगे उनको एजुकेट करना कि गवर्नेंस की वैल्यू क्या है, ये बात यहाँ पे करी गई है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस के तौर पे बताया गया है कि आज तक जब ये मॉड्यूल्स प्रिंट हो रहे थे उस समय तक 4500 विलेजेस में जाके अलग अलग या ऐसे कहते थे 4500 से ज्यादा प्रोग्राम्स जो है वो ICSI कंडक्ट कर चुका है अलग अलग विलेजेस में जाके, अलग अलग कम्युनिटी में जाके, इंग्लिश में, हिंदी में, अदर रीजनल लैंग्वेजेस में बुक्स या अलग अलग तौर पे चीजें बांटी जा चुकी है लोगों को अवेयर करने के लिए कि किस तरीके से कंप्लायंस जो है, गवर्नेंस जो है वो कितना अच्छा रोल एक सोसाइटी या कम्युनिटी के अंदर प्ले कर सकता है। कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम एज एन इनिशिएटिव टूवर्ड्स प्रोपोगेटिंग, प्रोपोगेटिंग मतलब बढ़ावा देना एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, लिख लो अवेयरनेस ऑन द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द इंस्टीट्यूट हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग कस्टमाइज। कस्टमाइज क्या होता है, कस्टमाइज मतलब ये कि कुछ चीज कहीं की कुछ चीज कहीं की। अभी क्या है, अभी तो समय कंप्यूटर का चला गया, अभी लैपटॉप आ गए और वो सब चीजें और ज्यादा एडवांस चीजें हैं, तो अभी जब कंप्यूटर का समय था तो आपके घर में अगर कंप्यूटर आज भी है या आपको अगर याद हो तो उसमें क्या होता था, लोग पहले जब कंप्यूटर आया था तो मुझे जहां तक याद है मेरे पास जब कंप्यूटर था तो एक एक होता था कि असेंबल्ड कराते थे लोग, असेंबल्ड आज भी लैपटॉप वगैरह में होता ही है। असेंबल्ड क्या होता था कि जैसे अपना मॉनिटर है तो वो किसी कंपनी का है, सीपीयू किसी कंपनी का है, कीबोर्ड किसी कंपनी का है, माउस किसी और कंपनी का है, तो ये क्या है कस्टमाइज, रादर देन आपने एक ही कंपनी की सारी बात मानी अपने फैसिलिटी के बेसिस पे चीजों को कंबाइन कर दिया, सो दैट इज कॉल्ड एज कस्टमाइजेशन।
for regulatory bodies, bank and public sector on corporate law and governance. तो कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम यही कहता है कि आईसीएसआई सिर्फ अकेला ही काम नहीं कर रहा, बहुत बार वो किसी बैंक के साथ जुड़ के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एनकरेज कर रहा है, बहुत बार किसी और रेगुलेटरी बॉडीज विच इज एमसीए हो गया, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ऐसी बॉडीज के साथ जुड़ के या स्टॉक एक्सचेंज हो गई, एनएससी, बीएससी और भी कोई, उनके साथ मिलके एक तरीके से अवेयरनेस लेके आ रहा है. सो कस्टमाइज मतलब ये फिक्स नहीं कि आईसीएसआई सिर्फ एमसीए के साथ ही काम करेगा क्योंकि कंपनीज एक्ट से मैटर है, नहीं ऐसा नहीं है, वो सेबी के साथ भी कर सकता है, वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी कर सकता है. Linkage of international bodies. The institute has linkage with various international bodies involved in promoting governance, such as World Bank Organization. ये तो हमारे कोर्स में है, the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं. International Corporate Governance Network and Global Corporate Governance Forum. So ये सारे के सारे आप नीचे देखेंगे. इसके बारे में बात करी गई है. तो आईसीएसआई सबसे टाइप है. So it's not only क्योंकि अभी आपने पढ़ा vision क्या है कि global corporate leader बनना. और आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हर जगह ब्रांच तो नहीं है उसकी थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो अगर उसको अपने बारे में हर जगह अवेयरनेस फैलानी है तो उन लोगों का सहारा तो लेना पड़ेगा ना जो उन कंट्रीज में है. अब कई जगह कमर्स सेक्रेटरी को कमर्स सेक्रेटरी ना कहकर आप बहुत बार कहते हैं चार्टर्ड सेक्रेटरी कहा जाता है. साउथ अफ्रीका में, इवन ऑस्ट्रेलिया में आपको बता दूं वहां पर भी यही कहा जाता है. तो बहुत सारे एमओयू वगैरह इन लोगों ने साइन कर रखे हैं जिससे कि यहाँ के स्टूडेंट वहां जाते हैं तो उन्हें काफी कम पेपर्स देने पड़ते हैं, डिग्री जल्दी मिल जाती है, वीजा जल्दी मिल जाता है. तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंस्टीट्यूट जो है अपने लेवल पे प्ले करता रहता है. उसी तौर पर जैसे आईसीएसआई ने अलग अलग रोल्स प्ले किए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एनकरेज करने के लिए, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इंडिया में और भी ऐसी एजेंसीज हैं जो ये काम कर रही हैं. उनमें से एक एजेंसी है जिनका नाम है नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. नाम ही समझ में आ गया, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो लाइक विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इन इंडिया, एमसीए हैज सेट अप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलॉन्ग विद सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, आईसीएसआई, आईसीएआई और कुछ समय के बाद, यहाँ पे नहीं लिखा बट कुछ समय के बाद, इनिशियली आईसीएसआई और आईसीएआई इसके मेंबर्स बने बट कुछ समय के बाद आईसीडब्ल्यूए, जिसको सीएमए या सीडब्ल्यूए कहते हैं, जो भी इनमें से आप कुछ भी कह सकते हैं, वो भी इसका मेंबर बन गया. सो तीनों ही जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, सीएस, सीए और सीएमए, तीनों ही इसके मेंबर्स हैं. ये जो सेटअप किया गया है ये एमसीए की तरफ से सेटअप किया गया, जैसे आईसीएसआई ने सीसीजीआरटी वगैरह जो ऊपर हम पढ़ के आए वो सब सेटअप किए हैं, ऐसे ही एमसीए ने एक और नया प्रोग्राम सेटअप किया है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. और इसको जो लीड कर रहा है एमसीए के साथ, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, विच इज सीआईआई एंड फॉलोड बाय आईसीएसआई, आईसीआई. अब इसको लिखना कैसे है, जैसे एनएफसीजी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, MCA, CII plus ICSI plus ICAI plus ICM. ये इन लोगों का एक तरीके से, अब क्या एग्जामिनेशन के समय हम जैसे जिस दिन मान लीजिए कल एग्जाम है या कुछ भी है, क्योंकि देना तो है ना एग्जाम, में आपको लगेगा कि सर बार बार कहते हैं, बार बार नहीं मैं कह रहा बट मैं आपसे बताइए ये बातें कब कहूंगा, कोई अलग से वीडियो तो बना नहीं रहा हूं मैं, तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि मान लीजिए कल अगर आपका एग्जाम है तो इतना सब देखने की पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना देख लिया याद आ जाएगा कि इन सभी का कॉम्बिनेशन है. कुछ अगर फिर भी डाउट लगता है तो सामने तो लिखी ही है चीजें, बट इतना भी आपने देख लिया तो आई सपोज आप लिख पाएंगे, क्योंकि मुझे आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है. जो प्रोफेशनल तक पहुंचते हैं ना स्टूडेंट्स, आप अगर यहाँ तक पहुंचे, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रोफेशनल में हैं. जो पहुंचते हैं ना प्रोफेशनल तक, ऐसा नहीं होता कि उनके अंदर कुछ ना हो, भले हमें लगे ना लगे, रियलाइज हो या ना हो, बट कुछ तो खास हमारे अंदर है कि हजारों लाखों बच्चे से जो एग्जीक्यूटिव में होते हैं उसमें से चुन के लाखों में से हजारों ही या हजारों में से कुछ 100 बच्चे आगे प्रोफेशनल में आ पाते हैं. तो अपने आप को हमेशा बूस्टअप रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए और सुनते रहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ. इनका भी विजन है, क्या विजन है, बी अ की फैसिलिटेटर, मतलब कोई एक ऐसी फैक्टर या ऐसे कह दीजिए चीजों को जो बढ़ाता रहे, इंक्रीज करता रहे, अवेयरनेस कॉन्टिन्यूसली फैलाता रहे, एंड रेफरेंस पॉइंट ऑफ हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया. बीइंग अ की फैसिलिटेटर मतलब ये है कि जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इंडिया के अंदर बात हो, सबसे पहले इनका कहना है एनएफसीजी का नाम है, क्योंकि एनएफसीजी एक ऐसा इंस्टीट्यूट बन जाए या एक ऐसा सेंटर बन जाए जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने में नंबर वन हो. कभी भी कोई बात आए तो इन्हीं का नाम सबसे ऊपर आए, तो ये इनका एक तरीके से मिशन है, सॉरी विजन है. मिशन क्या है, टू कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब किसी भी चीज को इंक्रीज करना, कैपेसिटी बिल्डिंग न्यू इमर्जिंग एरिया ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आपने कैटलिस्ट के तौर पर एग्जाम्पल समझाऊं,
घर में कभी हवन वगैरह हुआ है क्या, या कभी कहीं गए हो? मतलब होता है ना हवन वगैरह होता है, या ऐसे ना भी अगर आपको पता हो तो कैम्फर होता है, कपूर होता है। अब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था ये चीज, जो मुझे आज भी याद है। कैम्फर क्या करता है, आग को बढ़ावा देता है। आग को बढ़ावा देता मतलब आपने आप जैसे ही लेके जाते हैं उसको, तो एकदम से आग जो है वो जल्दी बढ़ती है। तो कैटलिस्ट मतलब कोई भी चीज का रेट जो है वो इंक्रीज कर देना। तो मिशन जो है NFCG का वो यही है कि वो एक तरीके से ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा एक इंस्टीट्यूट बन जाए, ऐसा एक सेंटर बन जाए, जिससे कि नए नए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो एरिया है वो उनको खोजता रहे, उनको ढूंढता रहे, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाए। क्योंकि देखिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरियाज हैं वो तो सभी को पता है। तो NF जो CG है इनका ये काम है कि एक तरीके से और नए एरियाज को ढूंढ के निकालें कि कहाँ कहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमी है, और या फिर ऐसे कह दीजिए कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अभी भी और बेटर बनाया जा सकता है। ये इनका मिशन है, टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर बेस्ट प्रैक्टिस स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड एथिक्स। नेशनल लेवल पे क्या है, NFCG वर्क्स विद द प्रीमियर, प्रीमियर मतलब टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, as well as nationally reputed professional organization to design and administer directors training program. The foundation provide accreditation to these organization based on their meeting and eligibility criteria designed along with continuing adherence to the same. आपको याद है हमने इससे पहले, मैं इसके बारे में कुछ भी बात करूं, हमने सेबी के बारे में बात करी थी। तो सेबी के साथ भी क्या है कि सेबी क्या करता है, इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए अलग अलग फंड या कैंप, आप ऐसे कहते हैं कैंप लगाता है और उनको इन्वेस्टर्स को अवेयर करता है। बट हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, ये इस चैप्टर की बात नहीं है, प्रीवियस कुछ चैप्टर्स की बात ही, वहां हमने ये पढ़ा था कि सेबी क्या करता है, खुद तो अपनी तरफ से जो करना है या जो कर सकता है वो करता ही है, बट बहुत बार वो क्या करता है और लोगों के साथ टाई अप करके एक तरीके से सेबी जो है वो उन्हें फंड्स देता है। तो सेबी हर जगह खुद नहीं कर सकता है क्योंकि सब कुछ, तो अलग अलग जो एनजीओज हैं जो इस एरिया में लोग काम करते हैं, सेबी उनको फंड्स देता है कि आप फलाने एरिया में जाइए, कैंप लगाइए, अवेयरनेस फैलाइए, एक तरीके से इन्वेस्टर्स के बीच में उनको अवेयर करिए कि शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है, कैसे उन लोगों से हमें बचना चाहिए जो ये कह देंगे हम आपके पैसे डबल कर देंगे 4 दिन में 10 दिन में। इसके लिए सेबी अलग अलग लोगों की भी हेल्प लेता है ये सब कराने में। ऐसे यहाँ पे NFCG जो है वो हर काम तो खुद कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है बहुत बार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करके उनको लाइसेंस एक तरीके से देता है। उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस दिए जाते हैं जो NFCG के क्राइटेरिया को मीट आउट करते हैं, और उसके बेसिस पे जो वो लोग हैं वो अलग अलग जिनको लाइसेंस मिला है वो क्या करते हैं अलग अलग जगहों पे जाके डायरेक्टर्स को एक तरीके से एजुकेट करते हैं। बिकॉज ऊपर भी हम बात करके आए कि डायरेक्टर्स आर द की ड्राइवर्स फॉर द कंपनी, वो ही कंपनी को आगे ड्राइव करते हैं, वही ये तय करते हैं कि क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, कैसे इन चीजों से बाहर निकलना है या क्या इन चीजों का सोल्यूशन होगा। तो उनको अवेयर करने का काम जो है वो NFCG खुद भी करेगा, और अपनी अलग अलग एजेंसीज जो है जो थ्रू आउट इंडिया अलग अलग तौर पर प्रेजेंट होगी उनसे भी ये करवा सकते हैं। So NFCG also work to have arrangement with globally reputed organization with the aim of promoting bilateral initiative to improve regulatory framework and practice of corporate governance in concerted and coordinated manner. NFSG का काम करने का तरीका 3 parts में divided है, एक governing council है, एक board of trustee है और एक executive directorate है। अब इससे पहले मैं नीचे जाऊँ और बात करूँ, देखिए governing council का कौन इसके पार्ट मेंबर होंगे वो तो नीचे लिखा है, वो हम पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ समझाया नहीं जा सकता। मतलब गवर्निंग काउंसिल एक तरीके से आप कह दीजिए हाईएस्ट पावर की बात यहाँ पे करी जा रही है कि किसके पास हाईएस्ट पावर होगी। कुछ अगर आप ऐसे समझना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि एक कंपनी के तौर पर, ये कंपनी नहीं है बट एक कंपनी के तौर पर अगर हमें इन 3 structures को बांटना है तो गवर्निंग काउंसिल हो जाएगा टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हो जाएगा मिडिल मैनेजमेंट, और एग्जीक्यूटिव जो है जो सबसे नीचे आ रहे हैं वो हो जाएंगे लोअर मैनेजमेंट। इसी तौर पे ये काम क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट क्या करता है पॉलिसी या प्रोसीजर स्ट्रैटेजी बनाता है, ये क्या करते हैं मिडिल लेवल वाले उसके इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं कि भाई इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, ये क्या करते हैं उस चीज को एप्लीकेबल करते हैं। तो एक है कि आप कह रहे हैं मिडिल लेवल वाले कह रहे हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, ये नहीं करना है, ये आप करना है, ये तब करना है, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। पर किन चीजों के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई है उसको मिडिल लेवल एप्लीकेबल करवाएगा, बट जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे ग्रास लेवल पे एप्लीकेबल करेंगे वो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट होंगे। ये भी कहना गलत नहीं होगा, नीचे पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट के पास वो सारे के सारे एक तरीके से पावर्स होती हैं जो उन्हें बोर्ड देता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी देता है, क्योंकि ट्रस्टी का काम ही होता है डे टू डे मैनेज करना चीजों को, चाहे आप ट्रस्ट एक्ट के तौर पे इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए या इन जनरल समझ लीजिए, डे टू डे मैनेज करना इनका काम होता है। तो
तो जो भी पावर्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के थ्रू एक तरीके से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट को दी जाएगी, वो उसी के अंदर रह के काम करेंगे। बट इन शॉर्ट द होल प्रोसीजर, चाहे वो गवर्निंग काउंसिल का कोई पॉलिसी हो, चाहे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का कोई डिसीजन एप्लीकेबिलिटी को लेके हो, चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट जो है वो उन चीजों को एप्लीकेबल कराएं, सारी बातों का जो सम अप आएगा निकल के एक तरीके से जो क्रक्स आएगा सामने, वो यही है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा, इंक्रीज, फॉस्टर कैसे किया, यही पूरी चीजों का मतलब रहेगा। आइए नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबके मेंबर्स दिए हुए हैं, बट मैंने बुक में और भी हैं, बट मैंने इतने ही यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि इतना मेजोरिटी लिखती है, इतना भी आप कर लेंगे, क्योंकि मैं 50 लिखूं यहाँ पे और उसमें से फिर आप समझ ही ना पाए, लर्न ना कर पाए, कंफ्यूजन हो, इसलिए जो एकदम प्रोमिनेंट है, जो आप बोले बोले नहीं सकते, बड़े बेसिक बेसिक हैं, वो यहाँ पे लिख दिए, इतना भी आप लिखाएंगे दैट शुड बी सफिशियंट। तो इसको समझना है, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में आगे आके NFCG के बारे में बताइए और उसका स्ट्रक्चर बताइए, तो फिर ये सब चीजें आपको लिखनी होंगी, और जब तक आप इनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप फिर क्या लिखेंगे वहां पे। तो गवर्निंग काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे वो होंगे जो MCA का सेक्रेटरी है, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी द वाइस चेयरमैन। प्रेसिडेंट जो है, ये ऐसे कह दीजिए जो प्रेसिडेंट है CII के, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के, ही विल ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये तीन पॉइंट्स और ये तीन पॉइंट्स जो है ये काइंड ऑफ सेम ही है। जैसे प्रेसिडेंट ICSI इनका मेंबर होंगे, प्रेसिडेंट ICAI के मेंबर होंगे, प्रेसिडेंट ICMA इनके मेंबर होंगे, और जो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरीज हैं, विच इज ICSI, ICAI एंड CMA, वो भी इसके मेंबर होंगे। तो एक तरीके से आप देखिए सबसे बड़ी बात दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है जो अलग है, बाकी तो इनमें से छह में से आप दो पॉइंट्स भी अगर याद कर लेते हैं कि भाई ठीक है, प्रेसिडेंट एक हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, सेक्रेटरी। अब इसी के दो के छह बन जाएंगे पॉइंट्स, क्योंकि प्रेसिडेंट तीनों ऑर्गेनाइजेशन के, ICAI के, ICSI के, ICMA के या CWA के, सेक्रेटरी भी इन्हीं के, ICAI के, ICSI के, ICMA के, तो बन गए ना छह पॉइंट। और फिर क्या लिखते हैं, MD एंड CEO ऑफ दी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सबसे तो छह पॉइंट ही हो गए, MD वाला सेवेंथ पॉइंट हो गया। बोलता हूँ इतना भी कर लोगे तब भी ठीक है, बट क्योंकि एक स्टार्टिंग अच्छे उससे होनी चाहिए, या ऐसे कह दीजिए किसी एक ऐसे इंसान से होनी चाहिए सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी होंगे वो यहाँ पे वाइस चेयरमैन का रोल प्ले करेंगे, और उसके बाद ये सारे लोगों को फॉलो करेंगे। सो ऑल दोज बिग पीपल, बिग डेजिग्नेटेड पीपल जो है वो यहाँ पे एक तरीके से गवर्निंग काउंसिल का पार्ट बन जाएंगे। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी डील्स विद द, अब देखिए क्या लिखा है, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। बनाएंगे नहीं, बनाएगा कौन पॉलिसी, गवर्निंग काउंसिल। नाम ही है गवर्न करना, बताना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना है, क्या नहीं होना, दैट इज ऑल गवर्नेंस, है ना। बट इस चीज को जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, एंड ले डाउन द प्रोसीजर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो होंगे वो ये मेक श्योर करेंगे कि जो भी गवर्निंग काउंसिल से उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं किसी भी चीजों के एप्लीकेबल कराने के लिए, वो चीजें स्मूथली एप्लीकेबल हो जाए, सबको समझ में आए, इजी रहे, इफेक्टिव रहे, इस तरीके से उनको एग्जीक्यूट किया जाए। अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं, वही ऊपर भी देखिए सेक्रेटरी लिखा था यहाँ पे, तीनों इंस्टीट्यूट के नीचे भी है सेक्रेटरी, तो आपकी आधी दिक्कत तो ऐसे ही खत्म होगी, कॉमन है ये, है ना। और फिर एक पॉइंट जो अलग है, क्योंकि ऊपर लिखा था प्रेसिडेंट CCI, अब थोड़ा उससे क्योंकि हम लोअर लेवल पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल लिख दिया, ऊपर प्रेसिडेंट था CII का, अब यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ CII विच इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ये एक तरीके से एक एक फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जैसे कह दीजिए गवर्निंग काउंसिल और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बटे हुए हैं। गवर्निंग काउंसिल के अंदर प्रेसिडेंट CII आएंगे, उसके बाद फर्दर जो एड हो सकते हैं वो जो सेक्रेटरी हैं MCA के, वो एक तरीके से यहाँ पे आएंगे, तीनों ऑर्गेनाइजेशन के CA, CMA के प्रेसिडेंट एज वेल एज सेक्रेटरी आएंगे, MD आएंगे स्टॉक एक्सचेंज के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। अब इसी तरीके से बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बात करते हैं तो तीनों ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी आएंगे, प्लस ऊपर प्रेसिडेंट आ रहा था तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ना आके डायरेक्टर जनरल आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब एक अलग लेवल की बात हो रही है, यहाँ पे पॉलिसी बनाने की बात नहीं हो रही है, उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट लिखा है एक्सरसाइज सच पावर, देखिए क्या लिखा है, ये वही पावर्स एक्सरसाइज करते हैं एज डेलीगेटेड बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो थर्ड लेवल पे आते हैं, जो मैंने कुछ देर पहले भी कहा था लोअर लेवल्स पे, और तो इनको लोअर कहना सही नहीं होगा, बट अगर हम इनकी पावर्स की बात करें या ऐसे देखें इसको सिंपल वर्ड्स में इंटरप्रेट करने की बात करें, तो जिस तरीके से कंपनी में टॉप मिडल एंड लोअर है जो मैं ऊपर समझा रहा था, तो ये लोअर एंड पे फॉलो करेंगे, बिकॉज इनको
एज सच कोई पॉलिसी बनाने का या कुछ और मौका नहीं दिया जाएगा, इनके सामने कुछ चीजें रख दी गई हैं और वो इनको करनी है, दैट इज देयर वर्क एंड टू, क्या देखिए लिखा भी है, एंड टू कैरी आउट सच फंक्शन एज में बी इंटरेस्टेड बाय बोर्ड. तो अपनी मर्जी से नहीं, जो बोर्ड बताएगा विच इज द मिडिल लेवल वो उनको यहाँ पे करना. ICSI के बाद एंड जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंक्रीज करने के बाद, अब जो थर्ड हमारे सामने ऑर्गेनाइजेशन आता है दैट इज कॉल्ड एज OECD. आई एम श्योर इसके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर्स यानी जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1-2 वहां पे कुछ बात थी इसके बारे में, बट क्योंकि यहाँ पे ये चीज दे रखी है तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बताऊंगा जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि मॉड्यूल में से हमने सर ने कुछ भी छुड़वाया नहीं है और मुझे सब कुछ आता है. बिकॉज बहुत बार कॉन्फिडेंस मैटर करता है एग्जाम में, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं. तो लेकिन इट इज फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू स्पेल आउट द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न कॉर्पोरेट्स. द मिशन ऑफ OECD इज टू प्रमोट पॉलिसी दैट विल इंप्रूव इकोनॉमिक सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड. अब देखिए जो एरिया था एकदम से, अभी इंडिया के बारे में बात हो रही थी क्योंकि ऊपर जिन लोगों के बारे में बात कर रहे थे, चाहे ICSI के बारे में बात कर रहे हो, चाहे फिर जो अपना ये ऑर्गेनाइजेशन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंक्रीज करने के लिए उसके बारे में बात कर रहे थे. आप देखिए सभी कुछ विद इन इंडिया चल रहा था, इसके मेंबर्स भी कोई बाहर से नहीं आ रहे थे. ICSI, ICAI, इन लोगों के मेंबर्स जनरली स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे. बट अब यहाँ पे तीसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है जो एकदम इंडिया के बाहर चला गया, और अब सारे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के बाहर के ही होंगे ज्यादातर, जहाँ पे ये एक ऑब्जेक्टिव होगा कि कैसे जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है, इसको एक इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोनॉमी बनाया जाए, कैसे लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो एक तरीके से मार्केट में इनहेंस किया जाए, और क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाए जिससे कि लोग और सिक्योर फील कर सके, और एक तरीके से जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभाएं, इसके बारे में OECD जो है वो काम करेगा. OECD की फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. मिशन क्या है इनका? The mission of Organization for Economic Cooperation and Development is to promote policy that will improve economic and social well-being of the people around the world. तो एक country specific नहीं है, और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा जिस तरीके से हमने ये जो पढ़ा था अभी, that was called as the NFCG National Foundation for Corporate Governance. तो ये government owned organization है, because यहाँ पे generally वही सारे लोग हो रहे हैं, even chaired भी जो है वो Ministry of Corporate Affairs के सेक्रेटरी के थ्रू कराया जा रहा है. बट OECD साफ साफ लिख दिया गया है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट का एज सच कोई भी लेना देना नहीं है, ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी वेलफेयर के तौर पे बनाया गया है. द OECD हैज फोकस्ड ऑन हेल्पिंग गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड टू रिस्टोर, देखिए क्या लिखा है, कॉन्फिडेंस, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंड द इंस्टीट्यूशन दैट मेक देम फंक्शन, री एस्टैब्लिश हेल्दी पब्लिक फाइनेंस एज द बेसिस फॉर फ्यूचर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. तो कैसे, वही बात जो मैंने उससे पहले करी कि कैसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आया जाए, उन्हें इंप्रूव करा जाए और पूरी कोशिश करी जाए कि वो बात को समझें और एक तरीके से अवेयर हों और समझें कि उनके राइट्स क्या हैं और किस तरीके से उनको ये रियलाइज कराया जाए कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के तौर पर, फ्रॉड होता है, तो वो कहाँ जाए, कैसे जाए, मतलब इन सब चीजों के बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन बात करता है. देयर आर 35 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ OECD अक्रॉस द ग्लोब. They include many of the world most advanced countries. 35 countries हैं, कुछ countries के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और जो ये countries हैं ये कोई छोटी मोटी country नहीं है. चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए, ऑस्ट्रिया की बात करी जाए, दो अलग अलग बात है, आपको पता होगा, इटली से लेके जापान से लेके फ्रांस तक हर कंट्री ऑलमोस्ट यहाँ की पार्ट बनी हुई, इंक्लूडिंग UK एंड US. तो ये कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अराउंड द ग्लोब फंक्शन करता है, और जिसको काफी सारी डेवलप कंट्री, अंडर डेवलपिंग का सपोर्ट होता है तो हम कहते हैं कि ठीक है तो अंडर डेवलपिंग, डेवलप कंट्रीज का सपोर्ट है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का सपोर्ट है. कमिटीज के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 35 OECD मेंबर्स कंट्री मेट इन स्पेशलाइज्ड कमेटी टू एडवांस आइडिया एंड रिव्यू प्रोग्रेस इन स्पेसिफिक पॉलिसी एरिया सच एज इकोनॉमिक, ट्रेड, साइंस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, फाइनेंशियल मार्केट. तो क्या है कि जो भी ये लोग हैं जो 35 कंट्रीज के एक तरीके से मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे कह दीजिए 35 कंट्रीज जो है वो इस पूरे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो आपस में रेगुलर इंटरवल्स में मिलते रहते हैं और एक तरीके से हर एरिया के बारे में बात करते हैं. बिकॉज गवर्नेंस, ये नहीं कह दिया गया कि गवर्नेंस जो है वो सिर्फ एक ही एरिया में बढ़ेगी, गवर्नेंस हर जगह बढ़ेगी. लास्ट चैप्टर में भी यही बात करी थी कि अगर कोई आज ये कहता है कि गवर्नेंस जो है वो सिर्फ एक फाइनेंस तक रिस्ट्रिक्टेड है तो ये सोच गलत है, क्योंकि गवर्नेंस HR में भी है, फाइनेंस में भी है, अकाउंटिंग में भी है, मार्केटिंग में भी है, लीगल में भी है, हर एरिया में गवर्नेंस है. तो कैसे उन सब चीज़ों को सही तरीके से टैकल किया जाए और बेसिकली ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी,
फ्लेक्सिबिलिटी, अवेयरनेस, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का फॉलो, ये एनकरेज किया जाए, इन सब के बारे में बात करी जाती है। द ओईसीडी प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1999। सिंस दीज प्रिंसिपल हैव बिकम इंटरनेशनल बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है पता है आपको? बेंचमार्क इन सिंपल वर्ड्स आर दोस थिंग्स जो कि एक मिनिमम लेवल है। मतलब अभी जैसे सीएस अगर हमें करना है तो क्या बेंचमार्क उन्होंने बना दिया कि आपको 40 मार्क्स तो लाने ही हैं पेपर के अंदर आज के समय में, जो अभी स्ट्रक्चर है 40 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, बट टोटल जो है वो एग्रीगेट 50 मार्क्स का होना चाहिए। तो दिस इज द बेंचमार्क, बिकॉज इसके बियॉन्ड कुछ और मतलब है, मतलब इसके कम लाएंगे मार्क्स तो कुछ और मतलब है जो आप जानते हैं, इसके ऊपर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। सो बेंचमार्क एक वो चीज है जो डिसाइड करेगा कि आप किस साइड पे फॉल कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड किया जाएगा। तो उनका ये कहना है ओईसीडी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आज बन चुका है कि दुनिया भर में जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात होती है तो और भी ऑर्गेनाइजेशन है, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो ओईसीडी के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी खुद की गवर्नमेंट की इंटरनल पॉलिसी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सब बनाते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो ओईसीडी है वो काफी बड़े लेवल पे काम करता है और इसकी पॉलिसीज फ्रेमवर्क इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि बहुत सारी कंट्रीज इनको देखती हैं, इनसे सीखती हैं, जो ये पॉलिसीज अपनी लेके आते हैं उसके अकॉर्डिंगली बाकी जो कंट्रीज है वो अपनी पॉलिसीज बनाती है। Investors, corporation, other shareholder worldwide. The original principles of OECD was revised and revised principles were issued in 2004. The revision of the original principle was done to take into account the development and the corporate governance scandal highlighted the need of improved standard. देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है कि over the time period क्या है कि frauds के जो level है वो बढ़ते जा रहे हैं हर दिन। मैं पहले भी आपसे ये बात कह चुका हूँ और आपको शायद याद भी होगा कि हमने मैंने तो कभी ये नहीं सुना कि 10 लाख का कोई घोटाला हुआ है, 10 करोड़ का कोई घोटाला हुआ है, ये शायद कम ही सुनने को आता है। जनरली जो हम सुनते हैं वर्ड जो न्यूज वाले बोलते हैं, अब सच है झूठ है हमें नहीं पता, और वो जो बताते हैं उनको भी कितना पता है और उनको कितना सही पता है नहीं पता हमें नहीं ये सब पता, बट जनरली जो वो कहते हैं कि 10,000 करोड़ का स्कैम था ये, मतलब घोटाला था, फ्रॉड था। आप सोच लीजिए इतने लेवल का जो हो रहा है स्कैम्स, तो आई थिंक फिर तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। वही वाली बात आ गई जो सबसे पहले हमने बात करी थी कि टू फॉलो द लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट, इन लेटर एंड स्पिरिट, जो लिखना वही एप्लीकेबल करना, जो लिखा है और जो एप्लीकेबिलिटी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर कितने भी लॉज बनाते रहो, कितना भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहो इन सब चीजों के बारे में, कोई फायदा या कोई फर्क आई डोंट थिंक सो प्रैक्टिकली है। फोर्थ दे रखा है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स आईओडी। अब देखिए यूके पहुंच गए, मैंने आपको कहा था अपने पासपोर्ट तैयार करके चलिएगा। अभी हम कुछ कंट्रीज के एक स्ट्रक्चर में घूम चुके हैं, अब हम अलग अलग कंट्री जाएंगे और अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल यूके से स्टार्ट करेंगे, बट वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि अभी आप बहुत थक गए हैं और बहुत सारा अभी हमें घूमना बाकी है। सो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, पार्ट पॉइंट नंबर डी के बारे में, और जो और बाकी चीजें उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो आज की मेरी बात थी ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी एज ऑलवेज टू हेल्प यू आउट, बट थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे एंड आई शैल सी यू वेरी सून। वंस अगेन थैंक यू सो मच।